नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनवी खबर। हम आपको भागलपुर से बिता रहे हैं, जहां पर हिंदू नववर्ष रामनवमी को लेकर निकाला गया शोभा यात्रा। भागलपुर सुल्तानगंज नगर में हिंदू नववर्ष रामनवमी को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाला गया। कलश यात्रा में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए आयोजन किया गया था। वहीं विधि व्यवस्था को लेकर सुल्तानगंज थाना प्रभारी लाल बहादुर ने हर चौक चौराहे पर पुलिस बल जवानों की तैनाती किया था, ताकि शांति और सद्भाव बना रहे। शोभा यात्रा के दौरान झांकी में भारत माता, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री राम, आज गैबीनाथ धमाधाम मंदिर मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। शोभा यात्रा कृष्णागढ़ से स्टेशन त्रिवाहिनी गंगा घाट होते हुए थाना परिसर और सुल्तानगंज चौक को ही समाज सेवी द्वारा जगह जगह पर नींबू पानी शरबत की व्यवस्था किया गया था। पूरा सुल्तानगंज नगर भगवा झंडा ध्वज से भगवामय हो गया और जय श्री राम के नारे से गूंज उठा।